बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाया होंडा शाइन का रिव्यू 125 का। गाड़ी आप लोगों के सामने है, पहले 360 डिग्री लूप ले देता हूँ। गाड़ी के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है आज सब इस वीडियो में जानेंगे। ऐसी कुछ लगती है ये गाड़ी, इसके जो ब्रेकिंग से वो ड्रम है, डिस्क भी आता है, डिस्क और ड्रम वेरिएंट। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, अरे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसे कुछ बेसिक की आती है इसमें। इसको यहाँ प्लेस करते हैं तो नॉर्मल सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कुछ मीटर रीडिंग नहीं होता है। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे गार्ड लगा है, ये ऑयल की चाबी, पांच गियर है इसमें। और ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ये 125 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड, फुटपैक्स डिसेंट है, रबरी फिनिश है। इसका मेन स्टैंड, और ये इसका साइड स्टैंड, चेन पूरी सील्ड है, इसके लिए मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है। टेन लीटर का फ्यूल टैंक है, यहाँ पे होंडा का लोगो दिया हुआ है। आप लोगों को इसकी लाइट्स चालू करके बताता हूँ। तो ये है होंडा शाइन की लाइट्स, पास स्विच सब हेलोजन में ही है, बल्ब, साइड इंडिकेटर। गाड़ी थोड़ी गंदी हो चुकी है, ऐसा कुछ सीनेरी है। पीछे से भी आप देख सकते हैं, ये इसका हॉर्न, इंडिकेटर। और यहाँ पे पास स्विच का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल है, ये पास स्विच, ये इंडिकेटर, फोन और ये शेल्फ का बटन। पहले गाड़ी बंद कर देते हैं। सीटिंग कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा है, राइडर के लिए, पिलियन के लिए इसकी ग्रैब रिल, तो आराम से दो लोग बैठ के जा सकते हैं। कुछ कुछ लोग बच्चे को यहाँ बिठाते हैं, लेकिन वो सेफ नहीं होता है। सारी गार्ड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से। ये इसकी टेल लैंप, टेल लैंप आपको चालू करके बताता हूँ। टेल लैंप, तो ये सनलाइट की मुझे आपको नहीं दिख रहा होगा, नंबर प्लेट, ये गार्ड, ये ड्रम ब्रेक वेरिएंट है, डिस्क भी आता है इसमें, बस डिस्क सिर्फ आगे ही मिलता है, कुछ 4000 रुपीज़ कॉस्ट का फ़र्क है। यहाँ पे शाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो शाइन। ट्विन स्टॉप सॉकर सब मिलते हैं इसको, फुटपैक्स। यहाँ 125 ऑप्टिमैक्स लिखा हुआ है, यह है किक, इसका ब्रेक पैड, होंडा का इंजन, यहाँ से आप इंजन ऑयल बदलाएंगे तो कुछ गाड़ी ऐसी लगती है। तो होप यू गाइस, गाड़ी आप लोगों ने पूरी देख ली होगी, इसके बारे में कुछ डाउट नहीं होगा।
एंड लास्ट में आप लोगों को इसका एक बार इंजन साउंड सुना देता हूँ। ये इसका इंजन साउंड, यहाँ से आराम से सुनिए, थोड़ी गाड़ी वाइब्रेट होती है, थोड़ा रेव करते हैं। तो ऐसा है कुछ इसका इंजन साउंड, बंद कर देते। ये इसका क्लच, क्लच ट्रैवल काफ़ी अच्छा है, शॉर्ट राइडर्स भी इसे आराम से चला सकते हैं। 115-120 किलो की गाड़ी है, 115-162 मीटर राइडर हाइट है, पिलियन है, पिलियन का कंफर्ट थोड़ा कम है, राइडर का अच्छा है। ये टॉप बॉक्स आता नहीं, आपको बिठाना पड़ता है। पीछे के टायर थोड़े पतले लगते हैं, लेकिन कंपनी बोलती है इससे माइलेज काफ़ी अच्छा लिया जाता है। 19 सेक्शन के टायर है, 100 सेक्शन के लिए होते तो अच्छा होता था। इसका एवरेज अगर आप, कुछ कुछ लोग ने चला के 60 प्लस भी निकाला है। तो ये थी कुछ होंडा शाइन का रिव्यू, होप यू गाइस आप सबको पसंद आया होगा। तो हैव अ गुड डे एंड राइड सेफ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हिट CBS को, और कमेंट में बताइए कि आपको ऐसे कौन से गाड़ी की रिव्यूज़ देखने हैं।